अस्सलाम वालेकुम, मैं सबिया हुसैन शेख, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कोरोना वायरस के खतरे को रोकने के लिए सरकार हर उपाय कर रही है। पहले जनता कर्फ्यू, उसके बाद धारा 144 लगाई गई, मगर धारा 144 खुले आम उल्लंघन किया गया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। जिसको देखते हुए महाराष्ट्र के सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए कल रात से पूरे महाराष्ट्र के बॉर्डर सील करने का ऐलान किया और इसके साथ ही महाराष्ट्र के सभी जिलों में जिला बंदी की घोषणा कर दी, जिससे एक जिले के लोग दूसरे जिले में आने जाने से रुके और कोरोना वायरस का खतरा कम हो और उसी को रोकथाम हो सके। जिला बंदी के आदेश के बाद आज मुमरा शहर में आने वाली सभी रास्तों को बंद किया गया है। हम आपको पनवेल से मुमरा आने वाले दहिसर नाके के फुटेज के साथ नई मुंबई वासी मुमरा आने वाले महापेर रोड और कल्याण अमरनाथ से मुमरा आने वाले कटाई नाके के विजुअल और फुटेज दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं सिर्फ उन्हीं गाड़ियों और लोगों को शहर में जाने दिया जा रहा है जो या तो दवाखाना जा रहा है या जो बैंक में सफाई विभाग में काम करते हैं, और जो बिना वजह सड़क पर गाड़ी लेकर घूमते हुए नजर आए उन्हें वापस घर भेजा जा रहा है। ये आप वीडियो में देख सकते हैं। हम आपको फिर अपील करते हैं, आप सरकार के आदेश का पालन करें, बिना किसी कारण के घर से अपने इलाके से बाहर ना निकले, सुरक्षित रहे और कोरोना वायरस के फैलने से रोकने में प्रशासन की मदद करें। तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।